चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, रोहड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? चलिए राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, जय हिंद जय महाकाल। यहाँ पर बताइएगा कि रोहड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्या रोहड़ी बोली उत्तर प्रदेश में है, या आपके केरल में है, या आपके मध्य प्रदेश में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन हमारा आपका राइट हो जाएगा, आपके हरियाणा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, जिसको ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना किया है। चलिए यहाँ पर बताना है आपसे, कह रहा है कि भैया जो सूरदास थे, इन्होंने किस भाषा में सूर सागर की रचना किया है। यहाँ पर देखा जाए दूसरे नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखो, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर, है ना, सूर सागर है, और आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में नहीं है, ये आपके ब्रज भाषा में है। मतलब ऑप्शन नंबर अगर आपका बी आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो ग्वालियर आपके एमपी है, तो यहाँ पर देखा जाए ग्वालियर में आपकी कौन सी बोली हो सकती है। देखो ब्रज भाषा है नहीं है, खड़ी बोली है नहीं है, कन्नौजी है नहीं, तो आप कहेंगे सर बुंदेली वाला जो ऑप्शन है, ए नंबर वाला जवाब सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो जब झांसी की बात आई है, और झांसी की बात आई है और साथ में जालौन की बात आई है, तो यहाँ पर देखो मालवी आपका होगा नहीं, ब्रजभाषा होगा नहीं, कन्नौजी भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सही आंसर बनेगा आपके नंबर यहाँ पर बुंदेली आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है। और जब दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ह्रस्व स्वर होगा नहीं, ना ही तो आपका अनुस्वार होगा, ना तो आपका अनुनासिक होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लुस स्वर। प्लुस स्वर जो होता है वो आपके दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसकी मात्रा की बात करें तो भैया देखा जाए तो जो लघु स्वर होता है सिंगल होता है, दीर्घ स्वर में डबल होता है, और कहा जाता है कि जो प्लुस स्वर होता है उसकी मात्रा 3 होती है, बाकी यहाँ पर मात्रा का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण है, जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। देखिए जीव की अगर बात करते हैं तो जीव में से है ना सभी वर्ण जो आते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग से टकरा कर जरूर आते हैं, और जब टकरा कर आते हैं तो जीव के यहाँ पर जो अग्रभाग है, मध्यभाग है, और आपका पश्च भाग है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अग्र है, मध्य भी है, यहाँ पर पश्च भी है, लेकिन विवृत स्वर देखा जाए तो जीव के आधार पर नहीं होता है। मतलब राइट आंसर अगर आपका आ रहा है डी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, या नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ पर नेपोलियन जो दिया गया है वो किस प्रकार की संज्ञा का है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, समूह तो नहीं कह सकते हैं, ना ही हम लोग भाववाचक कह सकते हैं, या तो ऑप्शन व्यक्तिवाचक होगा या तो ऑप्शन जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो ये एक नेपोलियन की बात हो रही है लेकिन उसके गुणों की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जातिवाचक की हो जाएगी। जैसे हमने गांधी जी के बारे में बताया, जैसे हमने जयचंद के बारे में बताया कि उनके गुणों की बात होती है इस समय, है ना, तो आप कहेंगे सर ये नेपोलियन जो आपका है यहाँ पर आंसर भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहे हैं सहसो शब्द से बना संज्ञा क्या है, सहसो शब्द से बनी संज्ञा क्या है। तो सहसो शब्द से क्या संज्ञा बन सकती है, पदार्थ आपका होगा नहीं, इसको हटा सकते हैं, यहाँ पर व्यक्तिवाचक भी हटा सकते हैं, यहाँ पर जातिवाचक भी हटा देंगे, तो आप कहेंगे सर सहसो जो आपकी अवस्था होती है कहीं ना कहीं ये आपकी भाववाचक होती है, तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, मजा कैसा है, तो आप कहेंगे सर सजा कैसी है, सजा कैसा तो नहीं बनेगा, कजाक कोई मतलब नहीं है, रजा यहाँ पर नहीं है, आप कहेंगे सर मजा जो आपका है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, है ना, जब सॉल्व करते हैं हिंदी तो बड़ा मजा आता है, अर्थात मजा कैसा, तो आप कहेंगे सर यही आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग आपको बदलना है, माता दिया है जो कि पुल्लिंग में आपको कन्वर्ट करना है, माता का पुल्लिंग में आपको कन्वर्ट करना है, और आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए टेस्ट डेली सॉल्व करें, और जब डेली सॉल्व करेंगे तो इसमें ये देखा करें कि कितने हमसे आंसर सही जा रहे हैं, कितनी गलती हो रही हैं, तब तो आपका पक्का है कि कुछ ना कुछ स्कोर आपका बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप सोचें नहीं, हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया बस हो गया उतने में, है ना। चलिए जय श्री राम, गुड इवनिंग। देखो हमने कहा सर माता, इसका जवाब देना है पुल्लिंग में, तो माता का होगा क्या, तो आप कहेंगे सर माता का हो जाएगा पिता हो जाएगा, और पिता है तो आप समझ आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इकरांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। देखिए जो आपके इकरांत संज्ञा शब्द हैं, अगर इनको हमें बहुवचन बनाना पड़े तो भाई करेंगे क्या, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अंतिम स्वर में इया लगा देंगे, अंतिम स्वर को हटाकर इया लगा देंगे,
ई ह्रस्व स्वर करके अंतिम के बाद य लगा देंगे, या ई ह्रस्व स्वर करके अंतिम के बाद ओ लगा देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा, तो जैसे हमने कहा कि लड़की है ना, लड़की क्या है, तो लड़की क्या है, इकरांत संज्ञा शब्द है, और अगर इसका बहुवचन बनाना पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे, लड़कियाँ, क्या बोलेंगे, लड़कियाँ बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर बड़ी ई को है ना हटा दिया जाए, है ना, ह्रस्व स्वर का ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा दिया जाए, तो आप आंसर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा, है ना, जो कि देखा जाए आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मैंने आम खा लिया है वाक्य में से बहुवचन इनमें से क्या है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में बहुवचन पूछा गया है। तो मैंने आम ले लिए हैं, लेने की तो अच्छा लेने की बात किया है, चलिए मैंने आम ले लिया है, तो मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया, तो ये वाला तो आपका हो सकता है क्या, यहाँ पर ये वाला तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हमने आम ले लिया है ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन आपको बनाना है, और यहाँ पर आम जो आपका है यही आपका बनेगा। तो कहेंगे सर मैंने आम लिए हैं, ये भी नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर अगर आपका आया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, क्लियर है। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है। देखिए हमने कहा है कि जो निश्चयवाचक होता है वो कौन होता है, यहाँ पर दिया है कुछ भी दिया है, कुछ ना कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, और जो दिया है वह दिया है। अब देखा जाए तो आपका निश्चयवाचक में कुछ भी दिया है, कुछ ना कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका जो डी आ रहा है, है ना, क्या जो और वह, जो और वह जो आपके हैं कहीं ना कहीं ये संबंध को दर्शा रहे हैं, तो आप कहेंगे इस प्रकार से आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई दिया है और कुछ दिया गया है, संबंध होगा नहीं, यहाँ पर निजवाचक भी नहीं होगा, या तो आपका निश्चय होगा या तो अनिश्चय होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर निश्चय भी हट जाएगा, क्योंकि निश्चय में होता है यह होता है और वह होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर की हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न शब्दों में से विशेषण आपको बताना है। यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, प्रपंच दिया गया है, सरपंच दिया है, पहुँच भी दिया है, लेकिन अगर बात करें पाँचवा, जैसे बोलते हैं चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, तो सीधी सीधे आंसर आपका बनेगा डी नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, है ना। ये निश्चित वाचक संख्या में आपका आ जाएगा, जो कि क्रमवाच्य में आता है, किस में आता है, तो आपके क्रमवाचक में ये आपका आता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण है। कुटिलता दिया है, जटिलता है, कौटिल्य है, और कुरूपता दिया गया है। देखा जाए तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, है ना, अगर तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कुटिलता है, जटिलता है, कुरूपता है, लेकिन कौटिल्य जो दिया गया है कहीं ना कहीं इनमें से क्या है, सबसे अलग है, तो आप कहेंगे कौटिल्य शब्द क्या है, है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से चारों में से एक ही आपको अलग दिख रहा था, है ना, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका सी बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कुटिलता है, जटिलता है, और कुरूपता क्या है, ये आपके भाव को दर्शाती हैं, अर्थात ये क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी, है ना, क्लियर है। किसी को दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें, जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें, आपके समाधान आपका होगा। अब बहुत दिन निकल जाएंगे, अगर बहुत दूर निकल जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे आने में समस्या होगी, क्योंकि बैक गियर डालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। देखो अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा वाक्य में कौन सी क्रिया है। मान लो अगर हमको नहीं आता है कि ऐसा हमको क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगा नहीं, क्योंकि ना ही तो और दिया गया है या ना कुछ दिया गया है, हो सकता है क्या संयुक्त क्रिया, चलिए क्या संयुक्त क्रिया हो सकता है, यहाँ पर प्रेरार्थक क्रिया भी नहीं है, यहाँ पर कर्म, दो कर्म तो है नहीं है, क्योंकि पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो इसको भी हटा देंगे, एक बचेगा यहाँ पर पूर्व काल होगा, अब पढ़कर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। ये सीधा सीधा हमने आपको परिभाषा बताया है, है ना, और जब सीधा सीधा हमने आपको परिभाषा बताया है तो आप कहेंगे सर ये आपका क्या है, सहायक क्रिया होगा नहीं, नाम होगा नहीं, भूत होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर ये पूर्वकालिक क्रिया की सीधी सीधी आपकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, क्लियर है। राम राम भैया, राम राम, जय हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। अपादान हटा दीजिए, करण हटा दीजिए, संप्रदान हटा दीजिए, आप कहेंगे सर ये नमस्कार लगा दीजिए, संबंध कारक का हो जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, है ना, याद रखिए ऐसे ही सॉल्व करना है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो हमको कौन से ऑप्शन को हटाना है, कौन से जोड़ना है, यही आपको आपको सॉल्व करना है। कह रहा है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, तो आपका आंसर हो गया संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान मतलब होता है जब देने का भाव हो, है ना, जब देने का भाव हो तो वहाँ पर संप्रदान होता है। कभी कभी क्या होता है कि संप्रदान शब्द आपको लगेगा नहीं कि इसमें दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर संप्रदान होता है। जैसे अगर हम आपसे एक उदाहरण बोलें कि ये जो चाबी है वो ताले की चाबी है ना, क्या ये ताले की चाबी है, तो जो ताले की चाबी है कहीं ना कहीं ये जो चाबी है वो ताले को दी जाती है, तभी उसको लॉक खुलेगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, संप्रदान में। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर राजा ने निर्धनों को कंबल दिया और दिया है, तो इसका मतलब आपका आंसर सीधा बनेगा सी नंबर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए हैं, दिए गए वाक्य का सही काल आपको पहचानना है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, यदि मैं समय से पढ़ाई करता तो मैं एग्जाम में पास हो जाता, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी है वो छूट गई है, क्रिया क्या हो गई है यहाँ पर, पूरी हो गई है। और भैया जब क्रिया यहाँ पर पूरी हो गई है तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर ये हेतु भूतकाल बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। अब इसका तो आप जवाब देंगे ही देंगे सभी लोग। चलिए इसका जवाब दीजिए कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसका आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है। बताया कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसका मतलब सूखा पड़ चुका है और इसका मतलब क्रिया पूरी हो गई है। तो आप कहेंगे सर ये हेतु मतलब भूतकाल आपका आंसर बन जाएगा ए नंबर। अगला देखो यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से भाववाच्य आपको बताना है। यहाँ पर जो भाववाच्य आपका है कौन, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी, यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर है क्या। चलिए वेलकम है भैया, वेलकम है जितने लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में आप आंसर क्या सही करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अब दिया है अब चला जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके भाव को दर्शा रहा है कि अब चला जाए, है ना, काफ़ी रात हो गई है अब चला जाए, लंबी क्लास हो गई है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये बी हो जाएगा। और आपने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं वाला भी ऑप्शन होता है, है ना, कि मीरा से चला नहीं जाता है। अगर इसकी जगह अगर ऑप्शन में होता मीरा से चला नहीं जाता है तो हम फिर ऑप्शन नंबर आपको डी लगाते, फिर बी को नहीं लगाते, लेकिन जब डी आपका ऐसा नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में बी को सही किया था या आयोग के माध्यम से किया भी गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से अव्यय कौन सा है। अव्यय मतलब होता है जिसमें व्यय ना किया गया हो, जिसमें हम परिवर्तन ना कर सकें, है ना, किसी प्रकार का हमको टेंशन नहीं लेना है। तो कहेंगे सर जी प्राचीन में परिवर्तन हो सकता है, मोटा में परिवर्तन हो सकता है, मोटी कर सकते हैं, यहाँ पर गरीब को भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन और को में हम कितना बिगाड़ सकें, और को भैया और क्या बिगाड़ सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है क्या, ये क्या संधि है, क्या उपसर्ग है, क्या अन्वय है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा, ये जो अथवा है वह क्या है, अव्यय है, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो आप अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और अपना नंबर खो बैठेंगे, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, है ना। जैसे क्लास में बहुत लोग होते हैं, कमेंट तो सबसे पहले आएंगे लेकिन क्लास में बातें भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो लेकिन शब्द आपका दिया है वो व्याकरण की दृष्टि से आपका है क्या। तो भैया लेकिन क्या ये क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है क्या, यहाँ पर जो दिया है वो क्या क्रिया विशेषण की ओर इंगित कर रहा है। तो आप कहेंगे सर क्रिया विशेषण की ओर नहीं है, यहाँ पर सर्वनाम भी नहीं है, ये संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि जो सर्वनाम होता या संज्ञा होता तो कहने के इसकी जगह होता। क्रिया विशेषण में अगर होता तो जहाँ पर चलना हो गया, धीरे धीरे हो गया, ऐसा होता, तो आप कहेंगे ये भी क्या हो गया इस स्थिति में, ये आपका अव्यय होगा जिसका ये। और आपसे कह रहा है कि अचरज का तत्सम क्या होता है, अचरज का तत्सम क्या होता है, यह शब्द होगा नहीं, इस प्राह शब्द तो आपका होगा नहीं, लिप्सा होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर अचरज का होता है आश्चर्य, राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, आश्चर्य जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका है जो तत्सम आपका है। यहाँ पर देखो दिया है रात, तो रात तो नहीं होगा, यहाँ पर अंधेरा दिया है, अंधेरा भी नहीं होगा, अंधियारा भी नहीं होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो अंधकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिए अंधकार बनेगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। देखो अज्ञानी जो होता है उसे हम कहते क्या है, तो अज्ञानी मतलब कह सकते हैं क्या बोलेंगे, अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं है, है ना। तो ये अज्ञानी मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, अज्ञ मतलब कुछ जो जानता हो, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भिग। भिग मतलब होता है जो जानकार होता है ना, को जो जानकार होता है, यहाँ पर अज्ञ दिया है जो नहीं जानता है, मूर्ख तो जानते नहीं है, नाश तो आपका होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर ये आपका बी वाला बेस्ट आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला दिया गया है कि आद्र शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है। चलिए
सर कोई ट्रिक बता दीजिए जो कि तत्सम और तद्भव के लिए पहचानने का सबसे आसान हो। तो आपने शायद तत्सम तद्भव का वीडियो आपने नहीं देखा है, अगर हमारा वीडियो थ्योरी वाला देख लिया होता तो 100 में से 95 क्वेश्चन आप सही करते। 5 क्वेश्चन कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ट्रिक काम नहीं करती है। तो आप मॉर्निंग में प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें तत्सम तद्भव वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक भी तनिक से भी आपको दिक्कत नहीं होगी आपके तत्सम तद्भव में। प्लेलिस्ट बनी है ना यूपी पुलिस के नाम से, उसमें से तत्सम वाला वीडियो पड़ा है। देखो आद्र दिया है और आद्र का अर्थ क्या होता है, दुख हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है या पर्वत हो सकता है। तीन को हटाइए बच्चा, क्या यहाँ पर बी नंबर, तो आपका आंसर बन गया बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अथ का विलोम क्या होता है। तो अथ का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर देखो इति दिया है और अति दिया है, तो अति होता नहीं है, पृथक हम कहेंगे नहीं, अथक यहाँ पर हटा देंगे तो आप कहेंगे सर आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, इति हो जाएगा, अथ का विलोम इति होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। जैसे ही हम ऑप्शन को हटाते जा रहे हैं वैसे ही आपको ऑप्शन को हटाना है, नया क्वेश्चन भी होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नया क्वेश्चन है। याद रखिए जैसे हम आपको हटाते चले जाते हैं, ऑप्शन ए को हटाते हैं, बी को हटाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा होगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये नया क्वेश्चन है ना। देखो अनुरक्ति का क्या होता है, आप कहेंगे डायरेक्ट हम पढ़ेंगे विरक्ति होता है, तो आगे हमको लगाने की आवश्यकता नहीं, जो चीज़ आपको आता है वो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है तरंग का सही समानार्थी क्या होता है। तरंग क्या होता है, लहर होता है, और लहर को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्मी बोलते हैं, है ना। तुरंग होता नहीं क्योंकि घोड़ा होता है, क्योंकि आपका होगा नहीं, ना ही अटवी होगा, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। अभी बताया कि तुरंग जो होता है वो किसका होता है, घोड़ा का होता है ना, अश्व भी होता है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। लहर की अगर बात होती तो आपकी लहर होता है तरंग, क्या होता है तरंग होता है, हिलोर होता है, वीच होता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है अकिंचन का अर्थ क्या होता है, जिसके पास कुछ ना हो है ना, जो कुछ ना करता हो इसको हटाइएगा, जो निर्धन हो उसे क्या बोलेंगे, नहीं कहेंगे। आप कहेंगे सीधा सीधा आंसर मिल रहा है तो हमको घुमाने की आवश्यकता कुछ है ही नहीं है, सीधी सीधी आप लोग बोलेंगे कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अंतरिक्ष शब्द के लिए वाक्य बताना है, अंतरिक्ष किसे कहते हैं। ग्रहों के समूह को हटा दीजिएगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान जो आपका है, कहीं ना कहीं यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आकाश में विचरण करने वाले को नहीं बोलेंगे, ना ही तो देवों का स्थान बोलेंगे। सीधी बात है कि धरती और आकाश के बीच जो स्थान दिखता है वही अंतरिक्ष होता है। अगला दिया गया है आदमी बनना, इस मोहरे का अर्थ आपका है क्या। कह रहा है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, हट जाएगा, आदमी जैसा दिखना गलत हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना, आप कहेंगे सर यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलते हैं ना आदमी बन जाइए, हम कभी कभी आपको डांट देते हैं, बोलते हैं आदमी बन जाओ, मतलब अच्छा व्यवहार सीख लीजिए, क्योंकि अच्छे व्यवहार अगर आप सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत आगे कुछ कर भी कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है आँख खुलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भैया आँख खुलना तो आँख से यहाँ पर हटा ही दीजिएगा, लज्जा दूर होना ये भी नहीं होगा, भ्रम में पड़ना ये भी नहीं होगा, आप कहेंगे ज्ञान होना, कहेंगे सर आपने हमको डांट दिया और हमने अच्छा व्यवहार सीख लिया, है ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारा भ्रम था वो भ्रम बिल्कुल क्या हो गया, दूर हो गया, तो आप कहेंगे सर आँख खुलना मतलब ज्ञान होना, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि खुरवा का मतलब क्या होता है। खुरवा का मतलब आपको बताना है, खुरवा का मतलब क्या होता है, खुरवा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हम तो आपको बताएंगे, बाकी अगर आप लोग जानते हैं खुरवा तो आप लोग जरूर बताइएगा। गली बुहारने वाला व्यक्ति, या गली, या खो हो, या लंगड़ा, या इनमें से कोई नहीं। नया शब्द आपके लिए है तो आपको याद रख लेना है कि भैया यहाँ पर खुरवा मतलब होता है क्या, खुरवा मतलब होता है जो लंगड़ा होता है उसको कहते हैं, ठीक है, लंगड़ा जो होता है उसको कहते हैं खुरवा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, ये जो खुरवा शब्द आपका है ये छत्तीसगढ़ी बोली में ये आपका बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी बोली में ये आपको बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गणना, गणना शब्दयुग के सही अर्थ बताना है। यहाँ पर एक शब्द दिया है गणना, एक शब्द दिया है गढ़ना, तो कहेंगे सर यहाँ पर गणना मतलब क्या होती है, किसी की गिनती करना, तो आप कहेंगे सर गिनती करना एक ही ऑप्शन दिया गया है, और गणना मतलब होता है बोलते चुभना, गद्दा थोड़ा मकबल कर दीजिए, है ना, गद्दा थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए ताकि हमको दिक्कत ना हो आराम से, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सम उपसर्ग का जो मा है वो किस शब्द में सुनाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आपको हमेशा रट्टा मार के ही जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से काफ़ी दिक्कतें आपको आ जाती हैं। देखो यहाँ पर संयम दिया है, संयम, है ना, तो यहाँ पर संयम दिया गया है, लेकिन जब संयम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इया शब्द में ऐसे आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए जो आपका संवाद है, संवाद, है ना, संवाद, यहाँ पर आंसर आपका बी वाले में जा रहा है, संवाद। और अगर आप संभावना भी बोल देते हैं तो भी सही होगा,
आप कहेंगे सर बी और सी वाला यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, संवाद और संभावना दोनों ही आपके बनेंगे यहाँ पर बी और सी, मतलब इसमें से पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। अगला है संन्यास शब्द में से कौन सा उपसर्ग है, अगर हम संन्यास को तोड़ते हैं तो आप कहेंगे संन्यास में भी वही उपसर्ग निकलेगा जो इसके पहले थे, अर्थात सम शब्द आपका यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है धड़ाक में प्रत्यय क्या है, धड़ाक तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा क्या आक निकलेगा जो प्रत्यय निकलेगा, और धड़ जो निकलेगा इसका मूल शब्द होगा, आप कहेंगे सर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि चतुराई में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, चतुराई में तो एक शब्द तो निकलेगा ही निकलेगा चतुर, है ना, और आपसे प्रत्यय पूछा है तो आप कहेंगे सर चतुराई में आई हो जाएगा, और आई हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया लघुर में कौन सी संधि है, लघुर में कौन सी संधि है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पहचान लेते हैं तो उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग संधि में से बिल्कुल तैयार हैं, और संधि में कहीं ना कहीं देखा जाए आप लोगों की तैयारी संधि में पूरी है। आता है क्या यहाँ पर, आता है लघुर में, और यहाँ पर मात्रा कौन सी है, बड़ाऊ की मात्रा, और जब बड़ाऊ की मात्रा होती है तो आप कहेंगे सर ये स्वर संधि में है, लेकिन देखा जाए तो आपके किस में आएगा सी में है, और ये किस में आएगा तो दीर्घ संधि में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि दीर्घ संधि में होता है कि जब इन शब्दों में से बीच वाले शब्दों में बड़ाऊ की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, है ना, यहाँ पर बड़ा की मात्रा हो तो आपका दीर्घ स्वर संधि होता है, ऑप्शन आपका सही जाएगा। जिन लोगों को ट्रिक नहीं आती है या संधि नहीं आती है तो हमारा बेसिक वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विद्यार्थी का उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा है कि नहीं है, और बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे सर ये आपकी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है, पहला ऑप्शन है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, गलत दिया है, क्योंकि पूर्व पद होता है कि इसमें आपके अव्ययी भाव समास में होता है, ये गलत हो गया है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये द्विगु समास में होता है ना, किसमें, द्विगु समास में होता है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, आप कहेंगे यही वाला आंसर बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा, है ना, सी फार पूरी तरीके से आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आप बीती शब्द में समास क्या है, आप बीती हम यहाँ पर बोल दें आप लोग, है ना, क्या बोल दें आप लोग बोल सकते हैं, आप बीती बोल सकते हैं, है ना, आपके साथ और कुछ जोड़ सकते हैं, इसका मतलब जो बीती शब्द है यही आपका इसका प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, और दूसरा पद प्रधान है तो आप कहेंगे सर सी नंबर बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा, तत्पुरुष समास कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है, क्या ऐसे क्वेश्चन में से आप लोगों से दिक्कतें हो रही हैं, तो यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य की पहचान अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन है कि आपको इस टॉपिक से बिल्कुल छुट्टी हो गई है, और आपको बिल्कुल से 2 नंबर आपको पक्के हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। देखिए मिश्र वाक्य में हमने बताया था कि एक उपवाक्य होता है, दूसरा प्रधान उपवाक्य होता है, इसमें जो कंजंक्शन लगता है वो कहीं ना कहीं उससे संबंध को बताता है, एक अधूरा वाक्य होगा एक पूरा वाक्य होगा जिसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर दिया है विद्वान सब जगह पूजा जाता है, यहाँ पर न होगा नहीं, ये सरल वाक्य है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी सरल वाक्य, ये भी होगा नहीं, वह पुस्तक राम की है यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है तो ये भी आपका सरल वाक्य है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो आप कहेंगे सर देखिए सवेरा हुआ तभी हम लोग बाहर गए थे, ऐसा तो नहीं कि हम लोग रात में निकल गए, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया जब और तब, है ना, यहाँ पर देखो जैसा शब्द आपको मिल जाता है, यद्यप तदप मिल जाता है ना, तो यहाँ पर जो आपके होते हैं की शब्द होते हैं आपके मिश्र में होते हैं। अगला क्वेश्चन बिना देखे ही आप लोग बता सकते हैं, कह रहा है मिश्र वाक्य आपका है कौन, एक हमने बताया दूसरा आपको बताना है, एक हमारी बारी है और दूसरी आपकी बारी, चलिए मिश्र वाक्य इनमें से है कौन। दिया है रण में सेनापति ने वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, ये तो सरल वाक्य है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, है ना, ये भी आपका सरल हो जाएगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है ना। फिर दिया गया है कि मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए, हमने कहा जब और दिया है इसका मतलब हम दोनों सैर करने चले गए, ये भी सेंटेंस पूरा है। मेरा मित्र आया, ये भी सेंटेंस पूरा है, और जब सेंटेंस पूरा होता है और लगा है तो ये संयुक्त तो होता है, क्या होता है, संयुक्त तो होता है। हमने इसके पहले बारे में बताया था कि किस शब्द है, उसने मान लिया, ये क्या पूरा वाक्य है, आप कहेंगे पूरा वाक्य नहीं है, जब तक इसमें कुछ इस तरह नहीं जोड़ोगे तब तक ये वाक्य पूरा नहीं बनेगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है, अब जब इसको बोला गया इसके साथ तभी ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, अन्यथा ये पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। ये जो उसने मान लिया ये अधूरा वाक्य है, और ये जोड़ने का कार्य कर दिया कि, है ना, अब ये पूरा होगा कि उसका दोष है, अर्थात समझ गए होंगे कि जब कोई अधूरा वाक्य होता है तो अधूरा वाक्य को जोड़ने वाले जो कंजंक्शन होते हैं वो की होता है, जैसे होते हैं, यद्यपि होता है, तदापि होते हैं, ये शब्द आपके होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है साकेत रचिता इनमें से कौन है,
साकेत के जो रचयिता हैं यहाँ पर, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? देखा जाए तो आपके हिंदी साहित्य में एक क्वेश्चन है, और देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके जो लोग पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल रामबाण आपके यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। साकेत के रचयिता कौन है? तो भैया साकेत के कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी नाला आपका हट जाएगा, द्वारका प्रसाद भी नहीं बनेगा, साकेत जो दिया है वो आपका आंसर डी कर जाएगा, मैथिली सरणगुप्त इसका आंसर है राइट हो जाएगा। याद रखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, कह रहा है जहाज का पंछी किसकी कृति है? यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है और दिया है जहाज का पंछी किसकी कृति है। तो जहाज का पंछी अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये है क्या, इला चंद जोशी बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, इला चंद जोशी बनेगा। अगला है यामा किसकी रचना है? चलिए बताएगा कि जो यामा रचना है वो आपकी किसकी है, सुमित्रानंद पंत की आप कहेंगे नहीं होगी, यहाँ पर महादेव वर्मा की आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेव वर्मा जिसका ऑप्शन आ रहा है ना, वैसे सबका जवाब आ रहा है, कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों में से किसी की भी रचना गलत हो रही है, सबकी सही जा रही है। अगला दिया है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जितने भी स्टार इसमें लगा सकते हैं उतने स्टार आप लगा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बताइएगा सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये है आपका चिदम्बरा के लिए मिला था, है ना, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी जब पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको पानी पीना पड़ेगा, तो आप कहेंगे पानी पीना है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है मधुशाला के रचयिता कौन है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मधुशाला दिया है और आप कहेंगे मधुशाला का बनेगा क्या, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला है कि आधे अधूरे किसकी रचना है? आधे अधूरे किसकी रचना है? तो यहाँ पर देखिए आधे अधूरे दिया है और आधे अधूरे कौन हैं? आपके मोहन राकेश हैं, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर मोहन राकेश। अगला है कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार इनमें से पूछा गया है, तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, आप कहेंगे सर ए नंबर तुलसीदास आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि जयद्रथ वध के रचयिता आपकी कौन है? जयद्रथ वध के रचयिता पूछा गया 59 नंबर में, और जयद्रथ का वध किया यहाँ पर देखा जाए तो ये कहानी आपको मिलेगी किसमें, तो आपकी मैथिली सरणगुप्त के द्वारा इसका जो आंसर है जयद्रथ वध है आपकी मैथिली सरणगुप्त का, क्योंकि महादेव वर्मा से आपको कोई लेना देना यहाँ पर है भी नहीं है। अगला दिया गया है मृगावती किसकी कृति है? मृगावती किसकी कृति है? तो मृगावती है आपकी कुतुबन की है, याद रखिए इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबन हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि प्रेम पचीसी की रचना किसने किया है, बताइएगा कि प्रेम पचीसी की जो रचना किया है वो किसने किया है? प्रेम पचीसी की अगर बात करते हैं तो लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद, कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। और अगला है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता आपके कौन है? यहाँ पर देखिए 62 नंबर दिया है और 62 की बात करते हैं तो आपके ये आखिरी कलाम जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कौन? प्रेमचंद आपका होगा नहीं, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, प्रेमचंद नहीं है, तो भी आपका हो क्या सकता है भैया, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, याद रखिएगा आखिरी कलाम है मलिक मोहम्मद जायसी, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विनय पत्रिका जो आपकी किसकी कृति है? विनय पत्रिका है और ये किसकी कृति है? विनय पत्रिका है आपकी किसकी है? तुलसीदास की बनेगी, सॉरी तुलसीदास कहाँ पर लिखा है, वो आपका लिखा है डी के साथ लिखा है, तुलसीदास बनेगी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? जब भी आपसे बात किया जाए कि अष्टछाप के कवि कौन है और इनमें से अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ कवि जो आपके हैं वो कौन है, तो कहेंगे सर्वश्रेष्ठ कवियों में से सूरदास का नाम लिया जाता है, आपका आंसर बी के साथ जाएगा। बाकी देखा जाए तो चार कवि थे वल्लभाचार्य के, क्योंकि सूरदास, कुंभनदास, साथ में परमानंद दास और कृष्णदास, चार अन्य सदस्य जो आपके थे अर्थात तो वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छेद स्वामी और चतुर्भुज दास, है ना, तो आपको आठों को याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अगला है यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा दोस्तों एक काव्य है और यहाँ पर देखा जाए तो यशोधरा आपकी मैथिली सरणगुप्त की बनेगी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा के रचनाकार आपके कौन है? देखो यहाँ पर चित्रलेखा की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, क्या बनेगा? यहाँ पर भगवती चरण वर्मा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी की ओर जाएगा। और अगला है आजाद शत्रु किसकी कृति है? आजाद शत्रु किसकी कृति है? यहाँ पर जवाब देना है आजाद शत्रु किसकी कृति है? देखा जाए तो 67 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे आजाद शत्रु एक नाटक भी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, आपका आंसर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में आपको लिए थे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एक मॉडल पेपर होता है, और यहाँ पर हमने लास्ट में लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के लिए हैं। अब आप ये बताइए कि ये हिंदी साहित्य के क्वेश्चन थे, क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ पर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, या कितने क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य में गलत हुए हैं? जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है और यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आपके पूछे भी गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर लिया है वो आपकी यूपी पुलिस जैसे एग्जामों में छोटे मोटे जो भी एग्जाम होते हैं, बाकी एग्जाम कोई भी छोटा मोटा नहीं होता है ना, हर एक एग्जाम में मेहनत पड़ती है ना, और कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में से बराबर आपको नंबर मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम छोटा बड़ा ना कह के हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, पूरे के पूरे हर एक क्वेश्चन के नंबर बराबर होते हैं। एग्जाम निकाल लेने के बाद अपनी बहावी होती है, वाह होता है, लेकिन अगर एग्जाम ना निकाल पाए और अगर हम मेहनत करते रहें और आपको सफलता ना मिले, तो आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार यही कहेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं किया है, सारा दिन मोबाइल चलाते रहे और कुछ नहीं किया है। और यहीं पर अगर आपने मेहनत नहीं किया और अब फिर भी आपको जॉब मिल जाए, तो आपको यही कहेंगे कि मेहनत इसने किया है, छुपा रुस्तम है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपको मेहनत करना है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जीवन में कोई सफल हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके ही सफल हो सकता है ना, इससे बेस्ट आपका रास्ता कोई हो नहीं सकता है, और इसका आसान कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग शेयर सपोर्ट जरूर कर दिया करें, ठीक है। बाकी हम ज़्यादा इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, ना ही हम आपको प्रेशर देते हैं, यहाँ पर क्लास के बाद में या एक आध बार बीच में बोल देते हैं ताकि आपको याद आ जाता है और आप लोग पूरा अपना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।